श्री गंगानगर जिले में विधायक कोटे से सभी सुविधाओं से सुसज्जित 6 कैंपर गाड़ियों की चाबियां पुलिस को सौंपी गई। ये गाड़ियां उनके विधानसभा क्षेत्र के थानों पर ही आवंटित की जाएंगी। इस अवसर पर विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हमेशा से इच्छा रही है कि राजस्थान पुलिस को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। एसपी परेश देशमुख ने समस्या जताई कि हमारे पास गाड़ियों की कमी है, तो हमने विधायक कोटे से गाड़ियां उपलब्ध करवाई हैं। इसमें हमारी सोच यह है कि हम यह गाड़ियां पुलिस को उपहार नहीं दे रहे हैं, ये जनता की उपयोगिता की चीज़ है, जनता की सुरक्षा के लिए काम में आएगी। कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि गंगानगर में जनप्रतिनिधि पुलिस की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। हमारी पुलिस हर जगह तक पहुँचे और उनके लिए संसाधनों की ज़रूरत को देखते हुए विधायक कोटे से गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई हैं। इस कार्य के लिए विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। पहली बार मेरा पुलिस लाइन का विजिट है और बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छे से मैनेज करके आपने रखी हुई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने परिसर बना रखा है। मेरा मानना एक बहुत ही खुशी की बात है। ये दिखाता है कितना सीरियसली हमारी पुलिस लाइन को मैनेज किया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि गंगानगर के अंदर पुलिस की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ और सुधार करने के अंदर अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय विधायक। आज छोटा सा कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी की हमेशा इच्छा रही है कि राजस्थान की पुलिस मजबूत रहे, राजस्थान पुलिस को सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जनता को भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि राजस्थान के हर थाने में एक स्वागत, कि आप अपने एमएलए लैंड में से हर जगह स्वागत कक्ष बनाइए। मुझे मौका मिला, तमाम जगह एसपी रहे मेरे, एमएलए बनने के बाद मैं 3-4 एसपी रह चुके, और सभी की पॉजिटिव सोच थी। यहाँ पर काफ़ी एक अच्छी सीनर्जी बनी। हमारी जो टीम थी, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, हमारे एसएचओज, हमारे सिपाही तक, हमारे डीएसटी, हमारा पूरा ऑफिस स्टाफ, और उसी के साथ साथ जो लोगों का सहयोग मिला वो अविस्मरणीय है। और यानी लगभग मेरा 7वां जिला है ये, तो इस टाइप का सपोर्ट मैंने किसी ज़िले में नहीं देखा।